महाराष्ट्र के चंद्रपुर में कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर योग नृत्य परिवार की ओर से अलग अलग झांकियां निकालकर जन्माष्टमी का जोरदार आयोजन किया गया। नन्हे बाल गोपाल को फूलों से सजी टोकरी में रखकर वसुदेव अपने सिर पर टोकरी उठाए शोभा यात्रा में शामिल हुए। ये नजारा देखकर सभी भक्त कृष्ण भक्ति में लीन हो गए। सैकड़ों भक्तों द्वारा शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा की गई। टोकरी में रखे बाल गोपाल को देखकर मानो ऐसा लग रहा था कि स्वयं बाल गोपाल ही भक्तों को दर्शन देने आए हों। सुबह 6 बजे से ही कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया। चंद्रपुर की आजाद बगीचे को फूलों और गुब्बारों से सजाया गया। पूरे शहर में बाजे गाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। भजन संगीत के साथ राधा कृष्ण पर आधारित पोशाक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी भक्त नाचते गाते हुए कृष्ण भक्ति में लीन नजर आए। महिलाएं पुरुष बच्चे सभी ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था। परिवार मुख्यालय चंद्रपुर द्वारा आज जन्माष्टमी का कार्यक्रम रंगारंग रूप में मनाया गया है। पहले झांकी निकाली गई है सुदामा की, इसके बाद में वसुदेव की, और हर झांकियों में आनंद लेते हुए छोटे छोटे बाल गोपालों ने अच्छा कन्हैया का रूप लेकर एक जन्म का उत्सव कैसा होता है, जन्म की शुरुआत कैसी होती है, कृष्ण जन्म क्या होता है, ये हम यहाँ हर साल पिछले 5 वर्षों से कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस वर्ष भी अच्छे उत्साह पूर्वक इस पूरे योग नृत्य परिवार के सभी कार्यकर्ता सदस्य और केंद्र प्रमुख इन्होंने सभी मिलकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है। अब अगले झांकी के साथ में एक छोटी सी रैली निकाली गई है जो पदयात्रा के द्वारा बढ़िया टोपली में कन्हैया को रखकर इसकी शुरुआत की गई। उसके बाद में यहाँ आरती हुई, भजन हुए, उसके बाद में अब रंगारंग कार्यक्रम, यहाँ नृत्य प्रस्तुत होने वाले कृष्ण भगवान के ऊपर, राधा कृष्ण के ऊपर झांकियाँ तैयार हुई है, वो भी आज बहने हमारी स्पर्धा में आकर इस झांकियों को अच्छा रूप देने वाली है। तो हम आज हमको जो जिन्होंने भी कवरेज किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे और बहुत बहुत बधाई देंगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करें और इसमें ही कृष्ण जन्म का उत्सव क्या होता है ये पता चलेगा लोगों को, और जन्माष्टमी में लोग चंद्रपुर वासी और विश्ववासी ज्यादा से ज्यादा उत्सव को मनाएंगे। इतना बोलकर योग नृत्य परिवार की ओर से आप सभी को हाथ जोड़कर विनंती है कि अगले साल भी इसी वर्ष आने वाले समय में इसी तारीख जन्माष्टमी में, तारीख कोई भी हो लेकिन जन्माष्टमी का ये उत्सव हर साल बगीचे में मनाया जाता है, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस जन्म उत्सव को सहभाग होकर अच्छी संख्या में इसकी उपस्थिति दर्शाए। इतना बोलकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण। मिस एन न्यूज के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़ी की रिपोर्ट।